Welcome to Kashmir! Hi guys, welcome back to another day into my life and things have taken a really interesting turn today. आज मुझे आराम करना था, वीडियोज एडिट करने थे और रिलैक्स करना था. कल कॉनर मैकग्रेगर की फाइट है, उसके लिए एंटिसिपेट करके इंटरव्यूज देखने थे. जस्ट चिलिंग डे था आज बेसिकली. बट हुआ ये कि मैं कल मैक्लोडगंज से आया और आज जैसा कि आपको बताया प्लान था डे रिलैक्स करने के लिए. बट हमारा श्रीनगर जाने का भी प्लान था, मेरा, प्रणव का और ईशान भाई का. बट प्रणव का एक्सीडेंट हो गया था कुछ, उसको इंजरी हो गई थी फेस में और मेरी ईशान भाई से बात नहीं हो पाई, तो हमारा वो प्लान ऑलमोस्ट कैन हो गया था. तो आई फॉरगॉट अबाउट इट. बट अभी मुझे कॉल आया प्रणव का कि 10 मिनट में रेडी हो जा, हम जा रहे हैं श्रीनगर. मैं 10 मिनट में मुझे जल्दी से पैक करना है, मुझे पैक करता हूँ, उसके बाद मैं निकलता हूँ और आपको रास्ते में मिलूंगा. टेक केयर टिल देन, आई विल सी यू. सर ये प्लान कैसे बना कैंसिल होने के बाद? भाई बस समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं. आपको लगता है पहुंच पाएंगे हम ईशान भाई? आज नहीं तो कल. यार कोई जल्दी नहीं है मेरे को, मतलब आई एम टोटली विद द माइंड सेट कि यार जहाँ पे भी बैठे कोई मसला नहीं. और ईशान भाई पहले से बड़े पहुंचे हुए यार. क्या मतलब है इस बात का, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या लेना देना? ये कॉन्टेक्स्ट में जम्मू है, समझ सकते हैं. आपने मुझे कैसे क्या मतलब क्या बोलना चाहते हो आप वो बताओ भाई. आप जम्मू रह के आपको नहीं पता पहुंचे हुए आदमी का मतलब क्या होगा? क्या बात कर, मतलब मैं कोई स्वामी हूँ गुरु उस टाइप का पहुंचा हुआ, मतलब बहुत ज्ञान हासिल है इनको. बहुत ज्ञान हमारे साथ भी बांटो यार, अकेले अकेले क्यों रखा है आप गंदा ज्ञान. शक्तिमान के सारे एपिसोड देखो भाई. भाई मैंने सारे देखे हुए हैं, एपिसोड के एंड में हमेशा ज्ञान देते हो. हाँ यार सॉरी शक्तिमान. अच्छा उसका नाम बताओ क्या था? गंगाधर विद्याधर ओमकारनाथ शास्त्री. अभी हम बेसिकली पत्नीटॉप के रास्ते में. आवर इनिशियल प्लान वाज टू गो टू कश्मीर बट वी डोंट थिंक वी विल बी एबल टू. डू यू थिंक वी विल बी एबल टू गो टुडे? Yeah, we might if the road gets cleared within, you know, under which is highly unlikely but never mind, if we can stay in Pattitop. I am with two adventurous people. Yeah. अभी नई इन्फॉर्मेशन आई है कि श्रीनगर का रास्ता खुला हुआ है, तो वहीं भी निकलते हैं फिर. पीड़ा में रुक जाएंगे अगर रुकना है तो. आपका तो फेवरेट है राजमा चावल भाई, उसके लिए तो भाई उसके लिए तो स्पेशली जम्मू से आने के लिए तैयार है. मैंने उसी के चक्कर में ब्रेकफास्ट नहीं किया कि हेल्दी बैलेंस हो जाएगी. अच्छा मैंने वही सोचा डाइट है कैसे बोल रही है कि उसमें तो घी भी डाल देते हैं ना. मैं स्नैक्स खाऊंगा ना कुछ, कोई मंचिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, और डिनर में भी नो कार्ब्स. चलो दोपहर को राइस मंचूरियन, कोई इशू नहीं भाई. चलो राजमा चावल ही खाएगा. सो एज यू कैन सी बहुत ही तगड़ा जाम लगा हुआ है और जो अभी हमें बताया गया था कि रास्ता पूरा खुला है वो इन्फॉर्मेशन तो गलत सी लग रही है. बट वी आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट. हो सकता है श्रीनगर का रास्ता आगे खुला हो सकता है बंद हो, आगे चल के ही पता चलेगा. बट बाय चांस अगर वो बंद हो जाता है तो हम पत्नीटॉप जाएंगे, वहाँ पे होटल की बुकिंग ऑलरेडी हुई है, सो वी आर सेफ इन दैट रिगार्ड्स. बट आई रियली होप कि रास्ता खुला हो और मैं श्रीनगर जा सकूँ आज, क्योंकि सभी भी वहीं पे है. मेरा एक बचपन का दोस्त और मोइन, शायद आप लोग उससे मिले नहीं हैं अब तक. अभी हमारे पास वक्त बहुत है, अगर दिन रहते रहते हम पहुँच गए तो मज़ा आएगा. चलो खुल गया रास्ता है यार. तो अभी हमने पत्नीटॉप को पीछे छोड़ दिया और हम आगे निकल चुके हैं और एट दिस मोमेंट वी आर एट पीड़ा. इस पीड़ा की सबसे खासियत ये है कि यहाँ के राजमा चावल सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, यहाँ तक सिर्फ जम्मू में ही नहीं पूरे इंडिया में. अगर आप पीड़ा आए और कश्मीर जा रहे हैं और आप पीड़ा में रुक के राजमा चावल नहीं खाया आपने, तो आपने कुछ नहीं किया, आपकी लाइफ वेस्ट है. आपको कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, और हम ये कॉन्टेम्पलेशन नहीं करेंगे क्योंकि हम आके खाने वाले हैं. वेट कर रहे हैं यहाँ पे अपने राजमा चावल का. कैसे सर, कितने सालों बाद आप खा रहे हो यहाँ पे? भाई पीड़े का कीड़ा तो मेरे को बचपन से था. लेकिन लास्ट टाइम खाया कब था? मेरे को याद भी नहीं आया, इससे 10 साल हो गए होंगे शायद. 10 साल पहले आपने खाया था? क्या बात कर रहे हो यार, आपका तो राजमा चावल फेवरेट है. मैं 2012 में गया था कश्मीर
9 साल पहले. फिर आप 9 साल से गए नहीं हो कश्मीर? गया हूँ लेकिन फिर बाहर गया हूँ, बाय रोड 2012 में गया था यार. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये 8 साल बाद पीड़ा में खा रहे हैं यार. बहुत अच्छी बात है भाई, इन्होंने बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की यहाँ पे, ले आओ खाने के लिए, बट अब फाइनली लेके आ गए. आपके आपने लास्ट टाइम कब खाया था? 8 दिन पहले. मैं तो भाई हर हफ्ते आता हूँ संडे को. चलिए अब पीड़ा के राजमा चावल इंजॉय करते हैं. तो पहले आने दीजिए राजमा चावल को, आपको भी दिखाएंगे और हम भी खाएंगे, है ना. अब सेहत बनेगी. ओ दिल खुश हो गया यार, ये टेस्ट काफ़ी सालों बाद आया है आपके लिए तो प्रिसाइसली 8 साल बाद. भाई ये तेरे को एक एग्जैक्ट सीन याद है क्या? जो मेरा व्लॉग था वो वाला मुठल वाला बटर वाला, वहाँ बटर था यहाँ घी है. चलो फाइनली नथिंग कैन बीट दिस बेस्ट राजमा चावल इन द वर्ल्ड. यही तो व्लॉग का टाइटल है, आई हैड द बेस्ट राजमा चावल इन द वर्ल्ड. दिस इज सुपर्ब यार, टू गुड. नेक्स्ट लेवल. वाओ मैं भी ट्राई कर लेता हूँ फाइनली. वाओ अमेजिंग इजंट इट, ब्यूटीफुल है, मजा आ गया यार. ये बंद कर रहा हूँ मैं कैमरा, मैं खा रहा हूँ, मैं बाद में मिलता हूँ बड़ा. ये यार मजा आ गया, क्या राजमा चावल थे. मतलब इससे बेटर राजमा चावल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे. पीड़ा आओ, राजमा चावल खाओ, हाईली रिकमेंडेड. अब रास्ते में हम वापस चले, ट्रक्स बहुत दिख गए हैं. कश्मीर का रास्ता अपेरेंटली खुला है और अगर हम जल्दी निकले तो जल्दी पहुंच सकते हैं. तो चलो रास्ता कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं रास्ते में. तो यहां पे आया था? हाँ यही यही जगह थी. अभी भी चल रहा है. तो यही जगह थी जहाँ पे कल लैंडस्लाइड आई थी, इसलिए रास्ता बंद था. और ये जैसे भी आप देख सकते हैं लगे हुए हैं, निकाल रहे हैं. चलिए अब आगे का रास्ता तो खाली लग रहा है, देखते हैं कब पहुँचेंगे. अभी इनॉग्रेट नहीं हुई है अभी ऑफिशियली. इनॉग्रेट नहीं, ऑफिशियली नहीं. चलो फाइनली लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. वेलकम टू कश्मीर. मजा आ गया यार, दिस इज क्विक. अभी तो कश्मीर की खूबसूरती की शुरुआत हुई है और हम चाय के ब्रेक के लिए जरा रुके हैं. सुबह से कोई चाय नहीं पी, 7 बजे पी थी मैंने उठने के बाद. तब से अब तक कोई भी कैफीन इनटेक अंदर नहीं हुआ है और मुझे अब विड्रॉल होने लगे हैं, सर दर्द हो गया है. कॉफ़ी की बुरी आदत तो मुझे है और अब पीनी पड़ेगी. तो आई एम होपिंग कि कॉफ़ियाँ मिल जाए, मुझे लगता नहीं है मिलेगी, बट चाय मिलेगी उसी से काम चलाएंगे चीनी के बगैर, क्योंकि डाइट जा रही है. तो चलिए चाय पीते हैं और फिर सफ़र को आगे कंटिन्यू करते हैं. सर 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 आइए सर, अंदर बिठाओ पहले भाई, अंदर आइए सर. आप तो तैयार लग रहे हो, क्या सीन है? हाल है सर, बस सर तैयारी हो रही है. ऐसा लग रहा है शादी आप ही की है. माय गॉड. हां नहीं यार, दूल्हा मेरे से ज्यादा सुंदर लग रहा है. अच्छा ईशान भाई पहले चलो, पहले रहने का करते हैं. लो ना राइट लो, पहले अतरी देखेगा, पहले देख ले अगर डल के सामने रहना यार, इसका मानना है. फिर डल के सामने चलो, चलो डल के सामने लेते हैं. अब तो लग रहे हैं एकदम पठान लग रहे हैं सर, क्या बताएं. अब ऐसा लग रहा है गुच्ची की सलवार कमीज पहनी है आपने यार. नया क्या बना है वो, है नया टनल देखा? ओ यार बहुत यार, 1.5 घंटा 3 घंटे का 1.5 घंटा हो गया, खत्म हो गया ना, पता ही नहीं चला कश्मीर पहुंच गए. सलाम शु डल, सलाम शु डल लेकर. तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं श्रीनगर डल लेक सामने, सभी जी साइड. हेलो गाइस, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू? दे आर गुड बट आई एम नॉट गुड, आई नीड सम रेस्ट एंड आई विल जस्ट रिकूपरेट एंड सी यू बैक अगेन. गाइस वी फाइनली फाउंड आवर रूम, दिस इज माय रूम नंबर 101 एंड द नेम ऑफ द होटल इज चॉकलेट बॉक्स. और हमारा जो व्यू है बहुत अच्छा है, डायरेक्टली ऑपोजिट डल लेक. और अभी आज के लिए इतना ही, अब कल कंटिन्यू करेंगे अपने दिन को.
और जितने भी एडवेंचर्स होते हैं सफर में आप और मैं साथ में मिलके एक्सप्लोर करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर बहुत मजा आने वाला है। हम सारे रीयूनाइट हो गए, मेरे एक बचपन का फ्रेंड मोहिन है, मैंने आपको पहले बताया था, वो भी यहीं पे, प्रणव और ईशान भाई भी साथ में ही है। तो मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ क्योंकि हमें रूम चेक करना है, सामान करना है और उसके बाद आगे जाके एक्सप्लोर करना है, बट हम कल दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट हेल्प्स मी एंड सपोर्ट्स मी एंड गिव्स मी द मोटिवेशन टू कीप ऑन गोइंग। आई विल सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर। Let's find a property nearby. राजमा चावल के लिए. Let's settle in पीड़ा for राजमा चावल. नहीं अगर तुझे देखना है नहीं देखना ही नहीं भाई, गली में क्यों रहना, गली में रहना तो मैं क्रिकेट लगा के रहता। चलो सही 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 चलो डल के बाहर चलो हाउस बोट में रहेगा।